गाइस कैसे हो आप सभी लोग। सो भैया आज थिएटर में रिलीज हुई फिल्म मुंजिया, और गाइस कई सारे लोग तो इसे बता रहे हैं कि हॉरर यूनिवर्स का पार्ट है और शायद ये कहीं से स्त्री मूवी से भी कनेक्ट है। तो क्या ये वाकई हॉरर यूनिवर्स का पार्ट है या फिर स्त्री से कनेक्टेड है, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो भैया ये कहानी है मुंजिया नाम के एक अतृप्त आत्मा की, जो कि मुन्नी नाम की लड़की से शादी करता है। अब वो ये शादी क्यों करना चाहता है और इतना बेकरार क्यों है उससे शादी करने के लिए, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। बेसिकली गाइस ये जो फिल्म है ये लोक कथाओं के हॉरर कहानियों पर आधारित है। जी हां गाइस, जैसे कि लोक कथा होती है जैसे कि कंटारा हो गए, स्त्री हो गई, इस टाइप की फिल्मों में से ये एक फिल्म है। गाइज इस फिल्म में कॉमेडी हम सभी लोग को अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अगर आप इस फिल्म में कॉमेडी ढूंढेंगे तो आपको डेफिनेटली मजा आएगा, और साथ साथ इसमें हॉरर का जो तड़का लगाया गया है वो भी आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। हालांकि हॉरर और डर आपको थोड़ा कम महसूस जरूर होगा, लेकिन महसूस जरूर होगा। फिल्म में जितने भी स्टार कास्ट है उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, चाहे मोना सिंह की बात कर ले, शर्वरी की बात कर ले, या फिर वो जो यंग सा लड़का है उसकी बात कर ले। भैया कॉमेडी वाइज उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, और इस फिल्म में थ्रिल भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। हालांकि पहले पार्ट में थ्रिल आपको नजर नहीं आएगा, पहले पार्ट में आपको कॉमेडी नजर आएगी, लेकिन जैसे ही फिल्म सेकंड हाफ में एंटर करती है वहां पर आपको थ्रिल जबरदस्त देखने को मिलेगा। और फिल्म का क्लाइमेक्स तो भैया बहुत ही जानदार है, इस फिल्म के क्लाइमेक्स में आपका दिमाग घूम जाएगा। और फिल्म के एंडिंग में एक गाना भी आता है, उस गाने को आप जरूर मिस मत कीजिएगा। और फिल्म के एंड में कुछ ऐसे सीन है जो कि किसी और मूवी से कनेक्ट करने वाले हैं। अब वो क्या स्त्री से कनेक्ट करते हैं या फिर हॉरर यूनिवर्स की किसी और मूवी से कनेक्ट करते हैं, ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का हमें देखने को मिल रहा है, और ओवरऑल ये फैमिली फ्रेंडली फिल्म है जिसे देखने में आपको काफी मजा आएगा। हाँ यहाँ पर जो फिल्म का बीजीएम है, यानी कि सॉन्ग तो इस फिल्म में कुछ खास नहीं है, लेकिन बीजीएम काफी बढ़िया है। इनफैक्ट जो गाँव का इंट्रोडक्शन होता है वो भी काफी बढ़िया दिखाया गया है। फिल्म में मुंजिया के कैरेक्टर को बहुत ही जल्दी रिवील कर दिया गया था, थोड़ा सा और सस्पेंस दिखा सकते थे जिससे कि क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। स्पेशली इस फिल्म में जो मुंजिया का कैरेक्टर जिस तरह से निभाया गया वो भी बहुत ही अच्छा है। तो ओवरऑल फिल्म काफी फ्रेंडली है, फैमिली फ्रेंडली है, आप इसे थिएटर में जाकर अच्छा खासा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस फिल्म को मैं दूंगा 5 out of 3.5 star, क्योंकि फिल्म मुझे काफी बढ़िया लगी और ये एक फैमिली फ्रेंडली फिल्म है, तो इस लिहाज से काफी अच्छी फिल्म भी साबित हो रही है। तो गाइस आप लोग इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।